पर बात करेंगे बारामूला पुलिस की कि उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो है लगातार 2024 की खासकर बात करेंगे तो 4 महीनों में ही उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है और इससे पहले भी देखने को मिला है। और बताया जा रहा है कि बारामूला पुलिस की तरफ से एक कार्रवाई की गई जहाँ पर 145 मंशियात फरोशों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि NBPS एक्ट के तहत भी मुकदमे जो है वो दर्ज किए हैं। लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बारामूला पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और मंशियात फरोश के खिलाफ जो है वो जंग जारी है। NBPS एक्ट के तहत बताया जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई की है। 36 सख्त गैर मंशियात फरोशों के समेत 145 मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और मुकदमा भी जो है वो दर्ज किए हैं। 145 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और 2024 की बात करेंगे तो उसके 4 महीनों में ही ये बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि 1,75,000 रुपए नकदी भी बरामद किए गए हैं। ये पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके अलावा बात करेंगे जो ममनू अशिया है वो भी बरामद की है। बताया जा रहा है 432 ग्राम जो ब्राउन शुगर है वो पुलिस ने जब्त किया है जिसकी कीमत जो है ब्लैक मार्केट में 73 लाख रुपए तक है। पुलिस ने उसे भी जब्त किया है। 432 ग्राम जो ब्राउन शुगर है उसे पुलिस ने मंशियात फरोशों के से जो है वो गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा 2023 की खास कर बात करेंगे तो उसके कुछ 4 महीनों में ही जो मुकदमात है वो दर्ज किए हैं। NBPS एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज किए हैं और इसमें जो है लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी कि बड़ी कार्रवाई जो है सिर्फ 4 महीनों में पुलिस की तरफ से की गई है और लगातार कार्रवाई भी अभी तक की जा रही है और सभी लोगों से कहा जा रहा है कि अगर जो भी लोग इस चीज में मुलविस है उनके खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी।